देखिए साथियों किस तरह हेज कटिंग हो रही है। और ये हमारे भाई टिकरी कला से सुरेंद्र मंडल माली रोज इसी प्रकार से दिल्ली का सौंदर्यकरण में सहयोग करते हुए अपना योगदान देते हैं। धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये अपना कार्य करते रहते हैं। और कौन सा पौधा है इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सुरेंद्र भैया, हाँ जी, कौन सा पौधा है ये? अमेलिया है। अमेलिया, तो इसमें कोई फूल वूल भी आता है? फूल भी आता है, देख रहे हैं, फूल पहले तो फूल आएगा, वही फूल बाद में पत्ते बन जाता है। अच्छा, वही फूल पत्ते बन जाता है। तो ये लाल लाल जो है इसका फूल है, यही पत्ते बन जाएंगे। और इसकी अच्छी तरह से हमने कटिंग करना है। अच्छा, और इसके पौधे भी तैयार करते हैं। और ये कौन सा डिजाइन बना रखा आपने? ये तो लोगों को बैठने के लिए बेड बना रखा हमने। अच्छा, ये अनर्मी है। ये अनर्मी है, और इसी तरह फूल लगा रखा है, फैकस लगा रखा है। आप देखते कितना बढ़िया से हमने ये मेंटेनेंस किया है। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ लोग आते घूम फिर के चले जाते, गंदे करते हैं, हम लोग अपना दिन भर करते रहते, क्या करें। अच्छा, इसमें गंदगी कर देते हैं, जैसे कि बोतल वोतल, कोल्ड ड्रिंक पी के, या चिप्स के पैकेट डाल देने। देखिए साथियों ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली का सौंदर्यकरण कर रहे हैं और उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि यहाँ पे कूड़ा कचरा कम से कम फैलाए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी के, पानी पी के वो बोतल इसमें फेंक देनी, चिप्स खा के उसके रैपर इसमें फेंक देने, ये चीज़ गलत है। ये लोग तो अपना सहयोग दे रहे हैं, मैं दिल्ली वासियों से अपील करूंगा कि वो भी अपना सहयोग दे, कूड़ा कचरा ना फैलाए, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ से हर आने जाने वाला देखता है कि दिल्ली का सौंदर्यकरण कितना अच्छा हो रहा है। आप भी इसमें अपना सहयोग दें। और सुरेंद्र भैया से एक बार थोड़ी सी और बात करते हैं। तो ये अमेलिया का जो पौधा है, तो ये 12 महीने हरा रहता है या फिर ये भी सूखता है? नहीं, ये हरा भरा रहता है। इसमें कोई पत्ता वत्ता नहीं झड़ता, इसका एक सीजन होता है जैसे पत्ते झड़ने। ये तो नीचे से झड़ते हैं लेकिन ऊपर नए पत्ते आते हैं। नए पत्ते आते रहते हैं। अच्छा अच्छा, इसका आप कटिंग करते रहो, डिजाइन बनाते रहो। डिजाइन बनाते रहो, जैसा मर्जी डिजाइन बना लो इसका। और इसको बारिश के टाइम इसके इसी पौधे से हम अलग पौधे भी तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी जो कटिंग होती है वो लग जाती है? वो लग जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरे जगह लगाने के लिए हमें यही कटिंग को लगाते हैं। उसके बाद जैसे कि आप मान के चलो आपने ये काटा है, आपने ये काटा है, तो इसका दूसरा पौधा किस तरीके से बनेगा? इसको काटना पड़ेगा फिर ऐसे। अच्छा, फिर पानी में भिगो के। अच्छा, एक रूटेक्स दवा आती है उसमें भिगोना पड़ेगा, दूसरे जगह हम तैयार करेंगे पन्नी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर दूसरे जगह लगा। तो वेस्ट कुछ भी नहीं निकलता इसमें? वेस्ट, अब ये जो है इसको हम काटेंगे जो छोटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हम सारे इकट्ठा करेंगे। अच्छा, वो गड्ढा खोदेंगे उसमें दवा देंगे। अच्छा, फिर जमैक्सिन पाउडर वगैरह मिला के हम इसका खाद बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कंपोस्ट खाद बन जाता है। तो जो भी ये नीचे कटिंग देख रहे हो मेरे साथियों, कुछ भी खराब नहीं जाने वाला, इससे भी ये खाद तैयार कर लेंगे। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, ऐसे ही लगे रहिए। खुद ही पौधे तैयार करते हैं, देखिए आने जाने वालों के लिए भी कितना अच्छा है। छांव में बैठ गए हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी छांव में बैठे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप।
तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा, इनका सहयोग करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इनको सपोर्ट करें और इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।